राजधानी दिल्ली, लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली की सियासी सीट जिसको लेकर मच गया है घमासान। इस वक्त दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक तरफ है मनोज तिवारी, वो नेता जिसने बीजेपी के भरोसे को बनाए रखा और इसी बलबूते उन्हें एक बार फिर से बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर है फायर ब्रांड कन्हैया कुमार। जी हाँ, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये वही कन्हैया कुमार है जिनका नाम दिल्ली से ही कई बार सामने आ चुका है। कई बार दिल्ली में ही उनका कई विवादों से सामना हुआ और अब वो अपनी चुनावी पारी को खेलने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीटों को लेकर काफी हलचल मची हुई थी। जनता के बीच ऐसा सस्पेंस क्रिएट हो गया था कि राजनीतिक पार्टियां ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किसको चुनावी मैदान में उतारे। फिर कन्हैया कुमार का नाम सामने आया, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कन्हैया कुमार यूथ के बीच काफी छाए रहते हैं। युवाओं के हक के हर मुद्दे को लेकर उनके हक में वो बहस करते हैं। और तो और, फिर कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से चुनावी जंग में उन्हें खड़ा कर दिया। कन्हैया कुमार का नाम बिहार में भी हर तरफ छाया रहता है। उन्होंने अब दिल्ली की सियासत पर भी अपना हाथ आजमाने का मन बना लिया है और वो 10 साल से बीजेपी सांसद रह चुके मनोज तिवारी के लिए मुसीबत बन गए। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया था और तब मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को 1.5 लाख वोटों से हराकर बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाई थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था, जब उन्होंने कांग्रेस की शक्तिशाली नेता शीला दीक्षित को करारी टक्कर दी थी। मनोज तिवारी बीजेपी के टॉप लीडरशिप वाले नेताओं में से एक हैं और अब उनके सामने आ गए हैं कन्हैया कुमार। ऐसे में पूर्वी दिल्ली की ये सीट ऐसी बन गई है कि ये तय करना मुश्किल हो गया है कि बाजी किसके हाथ लगेगी। खैर, इसका नतीजा तो 4 जून को आने वाले परिणामों में ही पता चलेगा। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।